से बोल रहा है, तो बोलिए कि देखिए 3 दिन में 3,000, मतलब 10 दिन में 3,000 मांग रहा है। आप ही से 10 दिन में 1,000 मांगेंगे तो आप नहीं दीजिएगा, तो ज्यादा दिमाग खराब होगा तो जूता से पिटाइएगा, घर पर आइएगा तो। अब देखिए घर पर आना, वो देखे सब इलीगल तरीके से आता है, पीटना भी चाहिए ऐसे ऐसे को, समझ गया ना? दौड़ा दौड़ा का मारना चाहिए, समझ रहे वही बात? बात है कि यार तो देखिए ये इसमें यही बात है कि रिपेमेंट मत कीजिए, सिविल स्कोर ऐसे भी वो दो ना तीन साल खेलेगा में तो ठीक उसमें हो जाएगा। नींद लगेगा? लगाएगा। नहीं नींद लगेगा, तो पहले साइलेंट में हमको रखना पड़ता था फोन, लेकिन अब एकदम बिंदास हम रखते हैं जनरल मोड में, अब एक भी फोन नहीं आता है। हो गया ये 1 तारीख से बंद हुआ है फोन आना, 1 सितंबर से। हाँ अच्छा, सारा फोन आना अभी बंद आप हो बोले गया। थे कि वे बोले थे ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा जिससे इंस्टेंट मिल सकता है अभी 10,000 का लोन? कितना का लोन था, कितना का लोन था? 7,000 का, 6,500 का था, आज हो गया 6,800 हो गया है। नहीं, अच्छा तो एक दिन में हो गया है, कितना दिन हुआ? पहले लिए थे 500, फिर 1,000 इस टाइम में लिए थे, तो हो गए कम से कम 10 दिन। तो 10 दिन में मैंने मतलब तो कि 6,800 हो गया, यही ना? हाँ, आ कितना दिया था अकाउंट में? 6,500। 65, तो 3,000 बढ़ गया वही 10 दिन में, जी हाँ, बताइए। जितना का लोन नहीं दिया उतना का तो इंटरेस्ट लगा रहा है। जी हाँ भी। अब वही नहीं देने पर कॉल मैसेज करता रहेगा, धमकी देता रहेगा। हाँ, बहुत बहुत सारा कॉल आ रहा है, रिसीव नहीं हाँ कर रहा वही ना, है। बहुत सारा कॉल आता है एक दिन में, 10 20 20 बार, 25 25 बार, 10 10 बार कॉल आते रहता है। तो कंपनी से एक बार नहीं बोले कि मतलब कि इतना इंटरेस्ट कैसे बढ़ जा रहा है 10 दिन में 3,000? कोई इंटरेस्ट देगा बताइए? 10 दिन में 3,000 कम समझ रहे हैं आप? वही तो बात। इतना तो हमको नहीं लग रहा कि कोई बैंक, आप बैंक में भी जाइएगा लोन लेने के लिए तो आप बोलिएगा कि 3,000 लिया 10 दिन में, तो भी हंसेगा सब। कोई भी हाँ, कितना भी लुटेरा होगा ना तो वो भी हंसेगा, समझ गए? 3,000, इतना फ्रॉड एप्लीकेशन भी मतलब कि नहीं लोगों से लूटता होगा, टाइम पॉकेट पर लिए थे। मत दीजिए इसका पैसा, हम तो यही बोलेंगे। देख जानते हैं अब हाँ, इसका यही एक उपाय है ना, कि जितना लोग एम पॉकेट के बारे में खूब आ रही है चर्चा, लोग खूब एम पॉकेट के बारे में बोल रहे हैं, कमेंट में बोल रहे हैं और फोन भी कर रहे हैं, तो एम पॉकेट के बारे में ज्यादा लोग बोल रहे हैं कि खूब ज्यादा मतलब कि ब्लैकमेलिंग हरासमेंट और लोन के नाम पे खूब हमसे मतलब कि ज्यादा पैसा ले रहा है। तो इसका जी यही है ना कि पैसा ही इसको देना सब लोग बंद करें, लोन लिए है ना तो कोई इसका लोन चुकता ही ना करे, तभी मतलब कि ये समझ में आएगा और इसकी औकात मतलब कि समझ में आएगी एम पॉकेट की। तो फिर घर वगैरह में सब कॉल वगैरह घर करते हैं घर पूरा। आएगा तो जूते से पिटाएगा और क्या, डायरेक्ट बोल दीजिए ठीक है। अब यदि रिकवरी एजेंट बोल रहा है ना, कितना भी प्यार से बोल रहा है, तो बोलिए कि देखिए 3 दिन में 3,000, मतलब 10 दिन में 3,000 मांग रहा है। आप हाँ, ही से 10 दिन में 1,000 मांगेंगे तो आप नहीं दीजिएगा, तो ज्यादा दिमाग खराब होगा तो जूता से पिटाइएगा, घर पर आइएगा तो। आप देखिए घर पर आना, वो देखे सब इलीगल तरीके से आता है, पीटना भी चाहिए ऐसे ऐसे को, समझ गया ना? दौड़ा दौड़ा का मारना चाहिए, समझ रहे वही बात? बात है कि यार तो देखिए ये इसमें यही बात है कि रिपेमेंट मत कीजिए, सिविल स्कोर ऐसे भी 2 3 साल में ठीक हो जाएगा, उसका टेंशन मत लीजिए। सिविल सिविल खराब हाँ, होगा, इतना ज्यादा लोगों को ठगी कर रहा है तो लोग सिविल का टेंशन कैसे करेंगे, बात है कि नहीं? 10 दिन में जी वही 3,000 बढ़ाया, 20 दिन में समझे 6,000 बढ़ा देगा, 1 महीने में समझे कितना बढ़ाएगा, 9,000, बात वहीं है। ले देगा 10,000 एक महीने में। ये तो लोन ही नहीं दिया उतना जितना कि बढ़ा दिया, हाँ, नहीं तो इसको जूता से मारिए, रिपेमेंट मत कीजिए। सब लोग सामने यही कहेंगे कि रिपेमेंट मत कीजिए कोई भी एम पॉकेट का। जो हम तो सही सारी बार इंटरेस्ट दे मना रहा कर है, जो भाई देते हैं सही इंटरेस्ट दे उसको। रहा है उसको हम देंगे, जो गलत इंटरेस्ट लगा रहा है उसको हम 1 भी रुपया नहीं देंगे, एनबीएफसी हो। अब एनबीएफसी का लाइसेंस लेना बहुत आसान बात है, समझ गए? ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एनबीएफसी एनबीएफसी है। क्या बोल रहे थे ना कि सब घर आया था एजेंट वगैरह सब। किसी किसी का घर आ जाता है, किसी किसी का नहीं आता। आप देखिए जितना डरिएगा तो आपके घर आ जाएगा, समझ जाएगा कि डर रहा है बंदा। डरे पर तो सब बात चीज है कि कायम है, डरे पर सब चीज कायम है, समझ गए? हाँ जी हाँ, अब घर आएगा तो कोई भी सुनेगा तो हंसेगा नहीं, कोई भी सुनेगा तो अब छंबा हो जाएगा भाई कि
दिन में 3,000 बहुत ज्यादा ना है, इंटरेस्ट है इतना कम है? जी अब इसमें इतना इंटरेस्ट कौन पे करेगा फिर बताइए, कोई नहीं पे करेगा इसका। वही सोच रहे थे, हम मैसेज किए थे आपके पास, हम देख नहीं रहे। नहीं तो 2 दिन से थोड़ा ये थे ना, अब रोज हम इंस्टाग्राम नहीं ना देखेंगे, कुछ हमारा भी काम रहता है ना, बात है कि नहीं? जी हाँ, क्योंकि कुछ हमको भी काम करना है ना। हम रहते हैं हजारीबाग में और घर तरफ आ जाएगा घर तो। ना ना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, समझ गया ना, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है। वैसा दिक्कत नहीं होगा ज्यादा? ना ना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आएगा तो सीधा शब्द में बोल दीजिएगा इतना इतना इंटरेस्ट है, अब हमारा दिमाग हो चुका है खराब, अब दोबारा फोन कीजिएगा तो अब समझ लीजिएगा आपका क्या हम हाल करेंगे। एक तो आप लोगों का कोई कोर्ट मदद नहीं करेगी, लीगल तरीके से तो कोई आपका मदद नहीं करेगा, हम मारबो करेंगे तो कोई कहीं भी आपका कंप्लेन नहीं होगा, तो जी समझ हाँ, लीजिए कि आपको रिकवरी करना है यदि अपना ध्यान अपना खुद रखना है। तो कॉल हम रिसीव नहीं कर रहे थे, तो कॉल रिसीव करके बात कर ले। अच्छा, हाँ बोल दीजिए कि हम नहीं देंगे 1 भी रुपया, हम 1 भी रुपया नहीं देंगे तुम्हारा, समझ गए? 1 भी रुपया नहीं। देखिए पैसा लोग सोचते हैं कि सेटलमेंट यदि कर देंगे तो भाई ये हो जाएगा, सेटलमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए मेरी बात? सेटलमेंट आदमी कोई भी कभी भी कर देगा। अब मान लीजिए कि 6,000 का हम लोन लिए हैं, सेटलमेंट का मतलब क्या होता है कि 5 साल बाद 4 साल बाद की सेटलमेंट हो जाना, तो 6,000 हमारे पास पैसा 4 साल बाद, 2 साल बाद पैसा नहीं आएगा, चाहे 1 साल बाद चाहे 6 महीना बाद हो जाएगा, जुटाएंगे तो सेटलमेंट करना कोई बड़ी बात नहीं। इसमें यह है कि सेटलमेंट करने के बाद भी आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि सिविल उतना ही का उतना ही रहेगा, सिविल में शो करते रह जाएगा कितना लोन लिए हैं, तो काहे ला सेटलमेंट कराइएगा, क्यों सेटलमेंट कराना है, बात है कि नहीं? उसमें तो आप ही का नुकसान है, आप ही का नुकसान कर कर चला गया, सिविल ऐसे भी 2-3 साल बाद सुधरिए जाता है। होगा कौन सा बात? दिक्कत वाली बात ज्यादा कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होगा, अभी हम देख रहे हैं हम दिक्कत में हैं, अभी हम आपसे बात कर रहे हैं हम दिक्कत में हैं, बोलिए हम ही इतना एप्लीकेशन से लिए हैं, इतना इतना फोन आता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए शुरुआत टाइम जो भी लोग इसे लोन लेते हैं तो समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, समझ गए ना, हाँ बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद आप देखिएगा इसमें समझिएगा तो बड़े कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गए ना? देख रहे हैं कि बैंक से लोन ले लेकर मतलब कि घूम रहा है सब खुलिया में, एकदम दे नहीं रहा है सब, और ये सब जितना होता है सब ये बिजनेस मैन ये सब क्या होता है, लोन लेता है सब बाद में मतलब गिराफा तफा हो जाता है, घूस उस खिला खिला घर, कुल कागजी कागज पे मतलब सिग्नेचर करवा देता है कि लोन नहीं लिए है, माफ हो गया, दे दिए, वो कर दिए, घाटा लग गया, हो गया, तो सब चीज मतलब कि माफ करवा देता है, सब जान रहा है सब ना। अब जो लोग नहीं जान रहे तो थोड़ा लगता है कि भाई बहुत बड़ी बात है। एनबीएफसी कोई ये तो है, एनबीएफसी का तो आप भी सब्सक्रिप्शन इसी ले सकते हैं, लाइसेंस ले सकते हैं, पैसा है तो आप भी ले सकते हैं। कि घर वगैरह वगैरह आ जाएगा तो फिर अब घर आ जाएगा तो क्या होगा, घर आएगा तो आएगा खड़ा रहेगा और क्या होगा, बताइए घर आएगा तो क्या दिक्कत है, आप ही बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो बोले कोई तो भी फिर आपका देखिए ही। कोई भी इसको फ्रॉड ही मानेगा, देखिए कैसे बता रहे हैं, आप ही देखिए किसी से भी पूछिएगा कि 10 दिन में क्या आप 3,000 दे सकते हैं इंटरेस्ट, तो कोई भी बोलेगा कि ना ऐसा कैसे हो सकता है, वो कोई भी बोल देगा कि चोर है कंपनी, गली मोहल्ले में पूछिएगा ना तो बोल देगा कि चोर कंपनी है, क्यों इस कंपनी से लोन लिए हो, तो सबको दिलासा दिला सकते हैं आप कि फ्रॉड अप्लीकेशन है, समझ गए ना? जो फ्रॉड एप्लीकेशन आजकल चला है ना वो तो बहुत बढ़िया है, उसी के आड़ में मतलब कि आप बच सकते हैं, बोल दीजिएगा फ्रॉड एप्लीकेशन है, हम अप्लाई किए थे देखने के लिए आ गया पैसा, हम क्या जाने, इतना इतना बोल रहा था कि इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे और बाद में इतना मनमानी करने लगा, फ्रॉड है, इसको जूता से मार कर भगाइए यहाँ से, देखे थे पिटाएगा बस चला हम जाएगा। डाले थे उसमें, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था आपका न्यूज़ वगैरह, आप देखे थे हम नहीं तो तो आ देखिए गया था आपके, क्या बोल रहे हैं, बोले थे घर वगैरह आ जाता है वो सब। देखिए हमारे घर पर तभी नहीं आया, कितना लोग बात करते हैं उनके घर पर आ जाता है, समझ गए, बोलते हैं कि हमारे घर पर आकर चला गया, ये भी बात हम नहीं काट सकते हैं, ये भी नहीं बोल सकते हैं कि घर पर नहीं आता है, आ ये भी नहीं बोल सकते कि घर पर आ ही जाता है, हमारे घर पर तो अभी नहीं आया। अब बात ऐसा है कि देखिए घर पर तो नहीं आया, अभी 9वां महीना चल रहा है, समझ गया ना, आज कितना तारीख है, आज हो गया 19 सितंबर, तो हाँ
19 सितंबर हो गया, समझ गया, 9 महीना हो गया, अब कॉल भी नहीं आता है, समझ गया ना, कॉल भी नहीं आता है भी नहीं आता है। ना, हमारे मोबाइल पर अब एक भी कॉल नहीं आता है, अब आराम से साइलेंट मोड में पहले फोन रखते थे, अब जनरल मोड में हम रखते हैं, साइलेंट मोड में नहीं रखते हैं, क्योंकि मान लीजिए सोए रहिएगा तो दिन में 10-10 साली कॉल करेगा तो नींद लगेगा, किसी का भी नींद नहीं बहुत लगेगा। बहुत कॉल आता है, बहुत ज्यादा। अब मान लीजिए कोई भी काम करिएगा, मान लीजिए कहीं भी है, अब मान लीजिए मोबाइल है, दिन भर बजते रहेगा, दिन भर बजेगा, कोई पूछ दे काहे ला इतना बज रहा है, बात है कि नहीं, कहीं भी बैठे हैं तो कोई भी हाँ काम कर रहे हैं, आपको भी ऑनस बढ़ेगा, दिन भर फोन ये आएगा तो। सेम प्रॉब्लम मेरे पास भी हो गया, हम भी मोबाइल साइलेंट में ही रख देते हैं। मान लीजिए सोइएगा दोपहर में, थोड़ा सा आराम करिएगा तो दिन भर फोन आएगा तो उसमें नींद लगेगा, नहीं नींद लगेगा, तो पहले साइलेंट में हमको रखना पड़ता था फोन, लेकिन अब एकदम बिंदास हम रखते हैं जनरल मोड में, अब एक भी फोन नहीं आता है, हो गया ये 1 तारीख से बंद हुआ है फोन आना, 1 सितंबर से, हाँ अच्छा, सारा फोन आना अभी बंद आप हो बोले गया। थे कि वे बोले थे ऐसा कोई एप्लीकेशन होगा जिससे इंस्टेंट मिल सकता है 10,000 तक का लोन। देखिए ये सब तो आपको अब इंस्टाग्राम पर मिलेगा, समझ रहे हैं, क्योंकि प्ले स्टोर पर जो भी था हाँ ये सब धीरे धीरे गायब हो गया प्ले स्टोर से, क्योंकि गूगल ने नियम लगा दिया ना, तो कुछ गिने चुने बचे होंगे लेकिन मिलेगा नहीं, समझ रहे हैं ना, मिलेगा नहीं उस पर। अब रील उल देखते हैं तो रील उल देखिएगा तो उसी पर एप्लीकेशन का ऐड आ रहा है, रील पर। नहीं तो रील पे आता है तो वो सब पहले ना चार्ज मांगता है। हाँ तो मांग रहा होगा वही ना, लेकिन चार्ज दीजिएगा नहीं, जो नहीं चार्ज मांग रहा उसको उससे अप्लाई कीजिएगा, पैसा हाँ देने वाला इसीलिए काम मैं कभी मत कीजिएगा, ये नहीं कि चार्ज दें उसके बाद मतलब गायब हो जाए, तो वो पैसा देने वाला काम मत कीजिएगा, वो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो हाँ ऐसे अक्सर हम वीडियो बनाते हैं, मिल जाता है एप्लीकेशन तो हम वीडियो बनाकर डाल देते हैं, हाँ वे देखे थे आपका वीडियो, हाँ सब्सक्राइब भी किया। हाँ हाँ कि कौन कौन सा एप्लीकेशन फ्रॉड एप्लीकेशन अभी चल रहे हैं, तो अभी मिल ही नहीं रहा है सब, अच्छा देखेंगे ढूंढेंगे डालेंगे, अब समझ गए ना, बहुत ना वीडियो रहता है कभी ये वो, समझ गए, पता ना चलता है कि कौन आज वीडियो डाले, एम पॉकेट के डाले हैं कि मनी व्यू के बारे में डाले हैं, सब तो एप्लीकेशन ब्लैकमेल ही कर रहा है, अभी सबसे ज्यादा लगता है एमपोकेटी कर रहा है ना। बहुत ज्यादा कर रहा है, तो एम पॉकेट पर वीडियो बनाते हैं तो एम पॉकेट पर सबसे ज्यादा व्यू जाता है, और उसी के बारे में लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि एम पॉकेट ऐसे, देखिए क्या अच्छा हुआ, एक लड़की थी ठीक है, हाँ तो छह अच्छा महीना पहले ही रिपेमेंट कर दिए एम पॉकेट का, तो हाँ तपर ही बोल रहा है एम पॉकेट वाला कि आप रिपेमेंट नहीं किए हैं, समझ गए हैं, जबकि 6 महीना पहले उसका रिपेमेंट हो चुका है, तपर ही बोल रहा है कि रिपेमेंट नहीं किए हैं आप, उस पर कॉल मैसेज आ रहा है, तो ये भी फ्रॉडगिरी काम कर रहा है, एक का क्या हुआ कि रिपेमेंट करने के बावजूद भी उसके घर पर रिकवरी एजेंट चौंक गया था, तब वो दिखाया हाँ हिस्ट्री पता उसी ही दिखाया, पेटीएम में जो भी फोन पे किया था यूपीआई आईडी दिखाया, तो सॉरी वोरी बोला सब, रिकवरी एजेंट बोला कि बताइए ऐसा मतलब ऐसा कंपनी है और बताइए कि घर पर भेज दिया झूठ मूठ का बिना काम का, जबकि पैसा दे दिए हैं, तो बताइए उसका इमेज खराब हुआ कि ऐसा। नहीं हुआ, उसके घर पर रिकवरी एजेंट है तो कम से कम 1-2 घंटे हाँ चिल्लाया होगा ना, गली में पूछा होगा ये कि इनका तो घर कहाँ है, इनका घर कहाँ है, तो लोग जाने होंगे क्यों भाई, तो बोला होगा कि लोन लिया है, तो इमेज खराब हुआ होगा, मान लीजिए हाँ कि आप ही कोई क्राइम नहीं किए, आप ही के घर पर पुलिस अरेस्ट मतलब कि करने चौंक जाए, अब बाद में पुलिस को पता चला कि मतलब कि ये क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल का घर कहीं और है, तो आपका इमेज खराब होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। इज्जत का फलूदा हो जाएगा, मान लीजिए गाड़ी में बैठाया सब तो फोन आया कि उसको छोड़ दो वो नहीं है कोई दूसरा है जा, उसके बाद हाँ इमेज खराब हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा इमेज खराब कर रहा है एम पॉकेट, समझ गया ना, तो इसका यही सोल्यूशन है कि घर पर आए तो 2-3 डंडा पहले पीटा जाए ऊपर से, तब इसे बात किया जाए कि हाँ बताइए किस एप्लीकेशन से लोन है, फिर बोला एम पॉकेट तो फिर उसके बाद पीटा जाए इसको, कितना आएगा, दो तीन दो आता है, समझ गया, दो आता है तो पिटा नहीं जाएगा, आप ही बताइए आप ही गाँव में, हाँ पिटा के चला जाएगा। तब अकेले पिटा जाएगा, दो तीन तबड़ाक दिए बस उसके बाद काम उसका बंद, एक बार पिटाएगा दोबारा घर पर नहीं आएगा, वो बोलेगा भी नहीं कि लोन लिया है, समझ गए क्योंकि दोबारा वो लोग बोलते हैं क्योंकि उसको लीगल मतलब कि उसके कानूनी कार्रवाई सपोर्ट रहती है,
कानून से उसके सपोर्ट रहती है तो वही दोबारा हलचल करता है, नहीं तो जिसका कानून से सपोर्ट नहीं वो हलचल थोड़ी नहीं करेगा, उसी पर धारा लग जाएगा कि बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था, जबरदस्ती हमारे पॉकेट से पैसा निकाल रहा था, चोरी कर रहा था घर में, बिना बताए घुस गया था घर में तब एक तो ऐसे ही फंसाने वाला जमाना आजकल चल रहा है। मान लीजिए लेडीज वेडीज है, थोड़ा सा कंप्लेन कर देगी ना कि हमको मतलब कि हमारे मतलब घर में कोई जेंट्स नहीं थे और घुस गया था, केवल लेडीज थी घर में, बोल दीजिएगा ना, तो उसके बाद देखिए उसका बेल भी नहीं होगा जल्दी बहुत ज्यादा ये है, ये बचने का बहुत ज्यादा ये है, समझ गए, बहुत ज्यादा ये है, सोचिएगा तब ना। मान लीजिए बोल दीजिए घर पर हम नहीं थे, घर पर दो लेडीज थी, बताइए उसके घर घर में घुस गया था, अब लेडीज बेचारी डर गई थी, अब सेफ्टी के मामला से बताइए कि ऐसे अलाउ नहीं ना है बिना बताए घर में घुसना, बिना कॉल बेल, वो भी हाँ हाँ बोल देगी, बस उसके बाद जाइए जेल में, रिकवरी एजेंट गया जेल, अब जिंदगी भर रिकवर करे उसी में, समझ गया ना। तो ये सब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, डरने का कोई भी बात नहीं है। हाँ कभी भी देखिए, कभी भी ये बात है कि कभी भी फोन पर वैसा धमकी मत दिया कीजिए, समझ गया ना, जो फोन पर है ना बात यदि कर रहे रिकवरी एजेंट से तो फोन पर डायरेक्ट धमकी मत दिया कीजिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग वोडिंग कर लेगा और उसी के माध्यम से मतलब कि बोलेगा कि ऐसे ऐसे हमको दिए थे। सामना सामने कीजिए, सामना सामने, सामना सामने पीटिए, उसके बाद उसको भगाइए, डर डरिए नहीं, समझ गया ना, डरिए नहीं, बोल रहा है घर पर आएंगे तो बोल दीजिए बिंदास की घर पर आइए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घर पर आइए, आइए घर पर, आपका स्वागत है घर पर। तब उसके बाद अपना रौद्र रूप दिखाइएगा, समझ गए। तो यही है, हमारे घर पर तभी रिकवरी एजेंट किसी का भी नहीं आए, हमको 100% विश्वास है हमारे घर पर कोई रिकवरी एजेंट आएगा भी नहीं, कोई नहीं आएगा हमारे एरिया में। और कोई कॉल आया होगा तो उसे बोला होगा ना क्या आया, कौन सा बोले होंगे ना, बहुत सारा कोई की और की मेरा घर आया था, और कोई वैसा नहीं बोले, ढेर बोले थे कि हमारे घर पर आया था, हम वीडियो भी डाले हैं, मनी व्यू का मतलब कि रिकवरी एजेंट आ गया था, शॉर्ट वीडियो हम डाले हैं। हाँ। किसी किसी के घर पर आ जाता है, ढेर लोग बोलते हैं कि डेढ़ डेढ़ साल दो दो साल हो गया लेकिन हमारे घर पर नहीं आया, तो हम कैसे बोले। तो देखिए दोनों चीज देखना पड़ता है ना, किसी घर पर आता है किसी घर पर नहीं आता है, दोनों चीज देखना पड़ता है, समझ गए ना। तो कोई यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है, चुपचाप कॉल मैसेज आ रहा है इग्नोर कीजिए, घर पर आता है तो खुलेआम बात कीजिए उससे, खुलेआम आपको बात करना है। आप ही सोचिए कि 10 दिन में 3,000 देंगे हम, आप ही सोचिए, वही ना, अब जबरदस्ती हो चाहे कुछ भी हो, हम 3,000 काहे ला उसको देंगे 10 दिन में, इतना ये हुआ, मान लीजिए कि 3,000 छोड़िए 10,000 मांगने लगता तो आप देते हैं, कल कह देगा कि ये दीजिए हमको, कल कह देगा वो दीजिए, तो दे देंगे आप, नहीं ना देंगे, अभी आप में भी हिम्मत आ जाएगा, कैसे कैसे मांग सकता है 10 दिन में, हम 10,000 कैसे देंगे उसको पैसा, अभी बोलिएगा कहने दीजिए घर पर, हम उसको मारेंगे। अब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि समाज क्या कर रहा है, सोसाइटी क्या कर रही है, समाज सोसाइटी खाने के लिए देगा, उसका तो काम है भाई चुगली करना, उसका तो काम है, समझ गए, लोग समाज सोसाइटी देखिए इमेज अपना मतलब ये रहता है, भाई इमेज ठीक है लेकिन गलत चीज है उसको गलत बोलिए, जो सही चीज है उसको सही बोलिए, समझ गए। अब ये नहीं कि समाज को देखते हुए गलत काम करने लगे, जैसे कि देख रहे हैं ना कि कितना लोग गलत काम करने लग रहा है। हाँ इंस्टाग्राम पर देखिए रहे सब नंगा नाच कर रहा है सब, अब मतलब कि कहाँ से सीख गया कि समाज का हमारे को टेंशन नहीं है। भाई आप देखिए, आप गलत काम करेंगे तो गलत आपको बोला ही जाएगा। हाँ। तो सही अपना काम कीजिए, सही काम कीजिए, देखिए कि लग रहा है कि भाई हाँ ये सही काम है तो सही है, गलत है तो गलत है। अब समाज ये है कि सही भी काम कीजिएगा तो और भी टांग खींचता है, समझ गए ना। हाँ सही भी काम कीजिएगा तो टांग खींचेगा, गलत भी काम कीजिएगा तब पर भी मतलब कि टांग नहीं बढ़ावा और देगा, बढ़ावा देता है समाज ही, समझिए ना कि बिगाड़ता है लोगों को। तो
तो अपने आप से मतलब को अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा काम कीजिए, गलत का गलत, सही का सही, अपने से अच्छा रहिए, बस काम खत्म। क्या कह रही है दुनिया, क्या नहीं कह रही है, उसे कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, समझ गए? तो यही है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आता है तो आने दीजिए, ठीक है ना? चलिए ठीक है ना, और सब सब ठीक है, ठीक है ठीक। तो एम पॉकेट के बारे में यहाँ पर बात हो रही थी, एम पॉकेट बोल रहा है कि हम आपके घर पर आ जाएंगे। देखिए कितना लोगों का एम पॉकेट के बारे में आया है, जूम होता है तो जूम वहीं से कर लीजिए, एम पॉकेट ये है वो है फलाना है ढिमकाना है, मतलब कि कितना लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट में, देखिए ना इन्हीं को बोल रहा है कि सर कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोन कर रहा है, कहाँ है? कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे? यस बिल्कुल करते हैं भाई कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉल, ऐसा थोड़ी ना है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट में फोन नहीं करता है। तो आप लोग पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है? हाँ सर मेरी आवाज आ रही है। हाँ हाँ बताइए बताइए। सर कुछ नहीं सर, मैंने यहाँ पॉकेट से कुछ दिन पहले लोन लिया था। हाँ हाँ तो उसका मैंने रीपेमेंट नहीं किया था, मैं स्टूडेंट हूँ ना, उसकी वजह से रीपेमेंट नहीं हो पाया था। हाँ 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 तो अभी उनका कॉल घर पे गया था, पापा को कॉल गया था। हाँ तो वही सर, मतलब अभी टेंशन में हूँ इसकी वजह से, आपको आपकी यूट्यूब पे वीडियो देखी तो आपको मैंने मैसेज किया था। नहीं तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, समझ गया ना, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप ही से पहले एक जन से बात हो रहे थे उनका 10 दिन में 3,000 इंटरेस्ट बढ़ाया है, समझ गए? वही ना बोल रहे हैं, वही बोल रहे। देखिए आज के डेट में जितना NBFC है, पहले तो रिंग खूब तबाह करता था, रिंग का खूब आता था कि रिंग हमको इतना कर दिया। अब एम पॉकेट इतना ज्यादा लोगों को ब्लैकमेलिंग हरासमेंट कर रहा है कि आदमी बोल नहीं सकता है। अब बताइए कि 10 दिन में 3,000 बढ़ा दिया तो कोई देगा 10 दिन में 3,000? नहीं सर, कहाँ से लाएगा आम आदमी, तो कहाँ से इतना पैसा लाएगा, आदमी लेता ही लोन। देखिए हाँ वही ना, अब देखिए अब किसी से गली मोहल्ले में किसी से कोई भी लोग से यदि पूछिएगा कि आप ही बताइए कि आप ही 10 दिन में 3,000 किसी को इंटरेस्ट दे सकते हैं, तो वो बोलेगा कि भाई नहीं इतना तो हम नहीं दे सकते हैं, वो जो ले रहा है वो चोर है। घर में बोलिएगा तो बोलेगा कौन सा फ्रॉड एप्लीकेशन बोल देगा, समझ गया ना? अब बताइए उनका 10 दिन में 3,000 और महीने में समझिए 9,000 चाहे 10,000, 6,000 का लोन दिया है, 6,000 का लोन दिया है और 3,000 बढ़ाया है 10 दिन में, बताइए सही बात है? तो देखिए हम तो उनको यही सलाह दिए ना कि घर पर आता है ना तो उसको जूता से मारिए रिकवरी एजेंट को, समझ गए? कोई टेंशन वाले बात नहीं है, ये सबको मारना चाहिए। अब लोग यहाँ का देखिए ऐसा है ना कि डर जाते हैं, समझ गए? हाँ जो कानून के दायरे में नहीं रहता है वो अपना क्राइम कर कर चलते रहता है और बढ़िया भी बन जाता है बाद में, इलेक्शन इलेक्शन जीत कर किसी पद पर अपना का नाम ले लेता है, उसके बाद बहुत बढ़िया बन जाता है। हमारे ही एरिया में एक है, समझ गए, उसका नाम है, मान लीजिए नहीं बोलेंगे ना तो वीडियो वीडियो देखता होगा बवाल हो जाएगा। हाँ हाँ ज्यादा दूर पर नहीं है, तो समझिए कि जो यहाँ का जो हम एरिया में रहते हैं ना तो उसका MLC से संपर्क है, समझ गए? सबसे मतलब कि हमारे मतलब के शहर में सबसे अमीर आदमी है, समझ गए ना? वो तो उसका काम है 2 नंबर, उसका काम है 2 नंबर, शुरू से मतलब कि गांजा हीरोइन बेचवा कर 2-3 को होटल खोल दिया है, बड़ा बड़ा रिजोर्ट। अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा चुनाव लड़ा एकदम, MLC नीतीश कुमार का पार्टी में है जदयू में। हाँ तो उसी से जीत, पैसा के दम पर विधायक को किन के MLC बन गया, उसके बाद वो बनने के बाद ये जो है उसी का मतलब कि राइट हैंड है, समझ गया ना? अब वो बोलेगा कि इसका जमीन पर कब्जा करो तो उसका जमीन पर कब्जा करेगा, उसका मर्डर करेगा, वही बोलेगा जो चीज करेगा। तो उसी के इसी पे बैंक लूटा जाकर, उधर मध्य ग्रामीण बैंक लूटा 1-2 करोड़, उसके बाद उधर ATM खुलवाया, उधर खुलवाया, हम तो लोग तो सब जान ही रहे हैं इसका काम, अपना ATM खुलवा रहा है। अब देखिए हमारे ही एरिया में 5 बीघा में स्कूल खोल रहा है, समझ गए? हाँ समझ रहा हूँ। 5 बीघा में स्कूल खोल रहा है एकदम, मतलब कि
भीतर जमीन है तब पर भी मतलब कि पूरा धमका उमका कर मतलब कि लोगों से जमीन को रोड में तब्दील करवा दिया है। हाँ तो अब देखिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। अब लोग उसको प्रणाम करेंगे, उसी से मतलब कि लोग सीखेंगे, वही सिखाएगा कि मतलब कि बच्चे ये काम नहीं करना चाहिए, चोरी चकारी नहीं कर, जबकि बताइए वही सरदार है, वही घर लुटा है। वही 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 बात है, तो वो वही देखिए आजकल है, समझ गए, वही आजकल है, चाहे शुरू से भी यही चलते हुए आ रहा है। हाँ वही बंगला देखिए कोठी वही ऐसे ही आ बात है जाता कि है, बंगला कोठी फॉर्चूनर आम बात है, ऐसे ही आ जाएगा, व्हाइट मनी से आ जाएगा, फॉर्चूनर वो तो कभी आ ही नहीं सकता। हम टेढ़ी जब बस तक अंगुली वो नहीं मतलब वो कीजिएगा, देखिए टेढ़ी अंगुली नहीं कीजिएगा, तब तक आप एसी में रहिन रहिएगा, समझ गए ना। वो उसके लिए सही बात टेढ़ी है। अंगुली करना पड़ता है। अब लोग जान रहे हैं कि भाई बड़ी मेहनत किया, कहाँ से मेहनत किया। अब किसी का भी नेता का इंटरव्यू लीजिएगा तो जानते हैं क्या बोलता है, बोलता है कि हम पहले गरीब थे, समझ गए, बोलता है ना कि पहले हम मतलब गरीब थे, और एक एगो मकान दिखाता है सब, लेकिन रहता है कहाँ पर, समझ रहे ना, रह रहा है एकदम इथी में, बोल रहा है ना कि हम पहले गरीब थे। और उसका भाई का देखिएगा तो भाई का कुछ और फैक्ट्री बैठाया है, उसका कुछ और कारखाना खोल कर दिया है। अब बताइए कि बराबर वो बराबर सबका सैलरी देखिएगा तो ये सैलरी है कितना, 1 लाखों का, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए लाख 1 लाख, सरकारी हिसाब हाँ से 1,50,000-60,000, ये सबका वैल्यू है, सैलरी तो है ही है, लेकिन लूट घोटाला कितना करता रहा, 1,000 करोड़ का, 2,000 करोड़ का, समझ गए, 1,200,000 करोड़ का, ऐसे ऐसे घोटाला करता है सब। बराबर बराबर हाँ ये तो लोगों को मतलब कि तो 50-60 लाख आ जा रहा है, 2 लाख आ जा रहा है, समझ रहे हैं कि भाई हम नेताजी से आगे होंगे, नेताजी के बारे में क्या जान रहे हैं। उनके घर को, उनके घर पर जेसीबी चलवाइएगा, नीचे में आपको पूरा मतलब कि जो अंग्रेज लूट कर गया था सब ना, उससे भी ज्यादा खजाना उनके घर पर मिलेगा। हाँ मिलेगा बराबर भी सही सही बात है, सहमत मैं आपके बात से। कुछ वही ना बताइए कि बारह ज्यादा बारह सौ हजार करोड़ समझते हैं कितना पैसा होता है ना, बारह बहुत सौ ज्यादा हजार करोड़ बहुत लूट लूट कर मतलब कि घोटाला कर कर रखता है सब। तो यही हाल है सबका, सबका वही हाल है, सब बराबर नेता किसी का नहीं होते ये हैं, बिल्कुल कोई भी पार्टी हो, किसी के नहीं होते कोई भी पार्टी है। ना मतलब घर वाला वही वही सर कोई भी पार्टी में मतलब ऐसे दूध से जुड़ा हुआ कोई भी नहीं होता। कोई दूध का धुला हुआ है बताइए, सबके पास अपना अपना गुंडा है, सब अपना अपना मतलब क्रिमिनल रखा है सब, नहीं रे क्रिमिनल रखेगा तो मरा नहीं जाएगा, सब उस पर वही साजिश सर करवाएगा, उस पर साजिश, सब अपना अपना मतलब काम। तो इसको भी यही हम बोलना चाहते हैं कि अब लोग मतलब कि लोगों को तो मतलब कि पहले ही किताब में पढ़ाकर टीवी में दिखाकर डरवा देता है सबके, मतलब कि देखिए कानून व्यवस्था सब गरीब लोगों पर होती है, आम जनता पर, मिडिल क्लास हम जैसे लोगों पर, बराबर वही कानून चीज है सर समझ रहा हूँ कानून मैं हम ही बिल्कुल लोग पर बना हुआ है, समझ रहे हैं ना। लेकिन बिल्कुल यदि सर आप मतलब कि किसी कोर्ट में देखिए, कोर्ट भी आप कीजिएगा ना, मान लीजिए कोई रिचेस्ट पर्सन है उसको कोर्ट में कंप्लेन कीजिएगा तो कोर्ट आएगा, घर ही से मामला समझ लेगा, आप आइएगा वो नहीं आएगा, समझे ना। नहीं आएगा वो नहीं लिखवा आएगा लिखवा बात कर हॉस्पिटल में अपना बढ़िया बढ़िया डॉक्टर से लिखवा लिखवा कर बोल देगा, गोड़ में ये है, पैर में ये है, वो है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग घर से बैठ कर आपको रफा दफा कर देगा। आ कोर्ट से बाहर निकलिएगा, आपको उठा कर बिल्कुल लेकर जाएगा सब, कोर्ट से निकलिएगा ना बाहर, हाँ हाँ उठाकर आपको ले जाएगा सब, उसके बाद आप ही केस अपना वापस ले लीजिएगा। हाँ बराबर चारों दिन आपका मतलब कि भीख बराबर मांगा वाला हाल बना देगा सब एकदम, किसी पर बिल्कुल दुकान पर जाइएगा तो कोई आपको सामान सामान नहीं देगा, साफ चेता देगा दुकान पर, सब एरिया में पूरा शहर में चेता देगा, ये व्यक्ति को यदि सामान दे दिया तो तुम्हारा कल दुकान टूट जाएगा जेसीबी से, तो मेरे बराबर बात मानो और ये अटैची ले लो, समझ गए, नोट का हाँ भरा हुआ, वही सर समझ रहा हाँ हूँ नोट का भरा हुआ हाँ मतलब कि ये ले लीजिए, बस कोई भी पैसा दीजिएगा, कोई भी पैसा के चक्कर में कोई भी बदल जाए, ऊपर से जान भी हमको मिल रही है फ्री में और पैसा भी मिल रहा है फ्री में, तो कौन नहीं लेगा, बात एक नहीं। तो लेगा तो यही हाल सही है, बात समझ गए, तो नेता लोगों से कोई उलझ नहीं सकता है, नेता के बारे में आप टिप्पणी भी कर दीजिएगा यूट्यूब पर ना, तो आपका यूट्यूब चैनल बंद करवा देगा सब, हम बोल रहे हैं बराबर बराबर सर किसका मैं चैनल नहीं बंद इतना होगा, जानकारी किसका चैनल बंद नहीं होगा जो पॉलिटिकल जुड़ा हुआ है ना, जिसका लिंक है, उतना उसका जानकारी घर है, आपको उसका घर ही घर ही में बहुत मतलब कि अच्छा कोई लगा।
कोई विधायक है तो कोई क्या है, तो वो अपना भाई वो तो बोल देगा भाई कि मतलब कि हम पर मतलब कि साजिश किया जा रहा है, विपक्षी है, समझ गए, उसको विपक्षी में जोड़ा जाएगा। लेकिन साधारण आदमी टिप्पणी कर देगा तो उनका बहुत बुरा हाल कर देगा यूट्यूब पर। हाँ नहीं बराबर है सर, हाँ बिल्कुल तो सर। इसीलिए वही अभी आपकी थोड़ी देर पहले आपकी वीडियो देखी मैंने, तो उसी और कॉल गया था, तो घर वालों को मुझे कॉल आ गया, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करने लगा तो आपकी वीडियो देखी, तो इसलिए आपको इंस्टाग्राम पे मैंने तुरंत मतलब मैसेज कर दिया। अभी मुझे ये टेंशन आ रहा है कि अभी पापा को मतलब कॉल गया, ऐसे और लोगों को कॉल नहीं तो देखिए अपने करना पापा को बता दीजिए कि फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गया ना। आप ही बताइए कि आरबीआई नियम लगा दिया है, नीता क्या नाम है इसका, सीतारमण नाम है ना, तो यही नियम लगा दिए, फाइनेंस मिनिस्टर है कि